एक जगह कहा झारखंडी बाबा आप लोग जो रबिलोवल में झंडा गढ़ते हैं लगाते हैं ये झंडा कौन किताब में लिखा हुआ है? मैंने कहा झंडा किताब में नहीं, झंडा बांस में रहता है। बोले हम लोग झंडा किताब में खोजते हैं, हम लोग बोले बांस में गढ़ते हैं, तुम मत आना वरना तुमको भी। अब मुहर्रम में मुर्गा जबा करें हम किताब में खोजे वो पैसा खर्चा हो मेरा तकलीफ हो पेट में दर्द हो उनका, मुर्गा कौन किताब में है? आप लोग मुहर्रम में जबा करते हैं, हम बोले मुर्गा किताब में नहीं रहता भैया, मुर्गा खाची टोकरी में। बोले हम लोग मुर्गा किताब में खोजते खोजते गुजरात से खोजते खोजते बिहार खोज गए हैं लेकिन मुर्गा कहीं किताब में नहीं मिला। हम लोग मुर्गा किताब में नहीं, मुर्गा खांची टोकरी में रहता है। तुम लोग किताब में खोजते रहो, हम लोग खांची टोकरी से निकाल के खाते रहेंगे। तुम लोग खोजते खोजते थक जाओ, हम लोग खाते खाते थक जाए। मुहर्रम में शबे बरात में हलवा पकाया हम किताब में खोजे वो हलवा कौन किताब में है? हम बोले हलवा किताब में नहीं, हलवा कड़ाही में रहता है। बोले हम लोग किताब में खोजते हैं, हम बोले कड़ाही में हम लोग ढक के रखते हैं, तुम लोग खोजते रहो हम लोग खाते रहो। हलवा झंडे की झगड़ा बंद करो, अरे उसे दुनियादार का झंडा मुबारक हो, मुझे सुनने का अहमद मुख्तार का झंडा मुबारक। जब रवि अव्वल आ जाए गली को सजा, मौलवी टोला वालों आपने नबी को नहीं देखा, उनके नाम पर सजदा जलसा सजा दिया, नबी से मुलाकात नहीं हुई, गलियां सजा दिया, नबी से बात नहीं हुई, कुमकुमे लगा दिए, नबी से मुसाफा नहीं किए, लेकिन दुरूद शरीफ आपने पढ़ा, यही तो ईमान है। बोला मुसलमानों बिन देखे मौलवी टोला का चौक सजे तो इतना सुहाना लगता है, तो नबी का मदीना कैसा लगता होगा, वो गुंबदे खजरा कैसा होगा, वो गली कैसी होगी, वो झाड़े कैसे होंगे, वो गुंबदे खजरा कैसा होगा। इसलिए जिंदगी भर लोग दुआ करते हैं दिखाते या इलाही वो मदीना कैसी सोचती है जहाँ पे रात दिन मौला तेरी। अल्लाह ने दौलत दी है तो एक बार जाके मक्का शरीफ मदीना शरीफ देख ले। अल्लाह ने दौलत दी है, अगर नहीं हज कर सकते हो उतनी दौलत नहीं है तो उमरा कर लो, एक बार गुंबद खजरा देख लो। मुसलमानों आका फरमाते जिसने मेरी कब्र की जियारत कर ली उस वक्त मेरी शफात वाजिब हो गई। दुनिया हाजी कहे या ना कहे उनकी फिक्र मत करना, दुनिया तुझको इज्जत करे या ना करे उनकी फिक्र मत करना। आका फरमाते तुम गुंबद खजरा देख ले, हे पूर्णिया के मुसलमानों एक बार जाके गुंबद खजरा देख ले। अगर 2024 में तुमने देखा है दिन तारीख भूल गया है लेकिन वो लिखा गया है कि पूर्णिया के मुसलमान मौलवी टोला से आए थे 2024 में आया था। आप भूल जाओगे फरिश्ता नोट करेगा, जब मैदाने महशर कायम होंगे वहाँ जमीन तांबे की होगी, आसमां फौलाद का होगा, मोहम्मद तख्त पे होंगे, अदालत पे खुदा होगा, नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, हाकार मचा होगा, एक एक लड़कियों का हिसाब होगा, सवा नजे पे सूरज होगा, लोग परेशान होंगे। आका फरमाते आ मेरे करीब आ जा, तूने मेरे रोजे को देखा था, शफाअत करेंगे मेरा वादा था। आका फरमाते जिसने मेरी कब्र की जियारत कर ली उस पर मेरी शफाअत वाजिब हो गई, जिस पर सरकार की शफाअत वाजिब होगी वो जन्नत का हकदार। लेकिन आजकल मुसलमान के पास जहां दौलत होती है ना वो मदीना नहीं जाता है, वो शोरूम जाएगा, KTM खरीद के लाएगा, मोटा टायर वाला गाड़ी। पैसा होगा शोरूम वो जाएगा कहाँ, बड़ा पैसा होगा तो मार्बल दुकान टाइल्स की दुकान जाएगा। घर बिल्डिंग बना दिया, बेटा अंदर में जाहिल है, याद रखना जिस दिन तुम्हारे घर से तलावत कुरान की खुशबू मिलने लगेगी। आज हर घर की बहुएं कुरान लाती है, आप ही बताइए मौलवी टोला वालों किनकी बीवी है कि जुम्मा के दिन कुरान पढ़ते आपने देखा? शायद एक दो होगी ऐसे मोहल्ले में जुम्मा जैसे शोहर जुम्मा पढ़ने चला जाए, बीवी चाहिए कि जल्दी जल्दी नहा धो ले और नहा धो के हम जल्दी कुरान को खोलें। जुम्मा का दिन है, शोहर जुम्मा पढ़ के आएंगे, हम कुरान खोल के पढ़ेंगे, शोहर घर कदम रखेंगे, हम सलाम कर देंगे, झोपड़ी करीब की होगी, जन्नत का नमूना दिखाई देगा। दो चार सप्ताह पढ़ते पढ़ते एक दिन इमाम को बुलाएंगे, इमाम साहब मेरे घर आइए ना, हम दो चार महीना कुरान शरीफ जुमा जुमा पढ़े, 15 पारा जमा हो गया, मेरे माँ बाप के नाम से मेरे सास ससुर के नाम से बख्श दीजिए, उनकी हवेली में रहते हैं, उनकी बिल्डिंग में रहते हैं, मेरे ससुर के बनाए हुए मकान में रहते हैं, हे मौआ साहब हम कुछ ना दे सके लेकिन मैंने 4 महीना कुरान पढ़ा सप्ताह सप्ताह, 15
पारा पढ़ लिया, मेरे साथ ससुर के नाम से दुआ कर दीजिए, कसम खुदा की वो कुरान पढ़ने वाला भी बख्शा जाएगा, जिनके नाम पे पढ़ेगा वो भी बख्शा जाएगा। लेकिन आज हमारे मुआशरे में कुछ मतलब नहीं, मोबाइल ने लोगों की जिंदगी बर्बाद कर दिया। किसी लड़का अगर पागल लड़का किसी लड़की के मोबाइल में आई लव यू खाली लिख दिया, अब लड़की माथा पागल, अब नहीं बचेंगे, अब नहीं बचेंगे, फांसी ले लेंगे। कोई पागल लड़की किसी लड़का मोबाइल में आई लव यू टू लिख दिया, माथा खराब, मन नहीं लगता है, बम्बे में नहीं रहेंगे, शादियां करेंगे तो वही चौकुए में करेंगे, वरना जान दे देंगे। वाह अरे मुसलमान, ये पागल लड़का लड़की किसी को आई लव यू लिख दे तो जान देने के लिए तैयार है। जिस बाप ने तुझको 18 साल तक 20 साल तक जवान किया, जिस माँ ने 9 महीना पेट में 3 साल हाथ में जिंदगी भर दिन में 24 क्विंटल दूध पिलाई, उस माँ के लिए तूने क्या किया? एक पागल लड़की के चक्कर में तुम घर छोड़ने वाले हो, इसलिए अपने बेटों को शरीयत पढ़ा ताकि वो जानेगा कि माँ के कदम के नीचे जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाजा है, माँ बाप की रजा में रब की रजा है। कलियर बाद में जाना, कचोछा बाद में जाना, देवा बाद में जाना, फुलवारी बाद में जाना, बरेली बाद में जाना, अजमेर बाद में जाना, मक्का मदीना बाद में जाना, पहले अपने घर जाना। अगर माँ बाप है उनके पास जाना, उनको खुश करना, उनको राजी करना, उनका चेहरा देखना, इजाजत लेना, सलाम करना, घर से निकलना, अजमेर की धरती चला जाना। अगर पूर्णिया में तेरे माँ बाप तुमसे राजी है, अजमेर जाओगे, अजमेर का खाजा भी राजी होगा, मदीना जाओगे, मुस्तफा भी। आज का प्रोग्राम 100 नहीं 110% कामयाब। आपका बाजा बहुत अच्छा, कौन कहता बजवा ठीक है, हम ही लोग खत्म, बजवा ठीक है, हम ही लोग खत्म, बजा आपका बढ़िया है, वोल्टेज नहीं मिल रहा है। माशाल्लाह, अगर इसी बाजा में अका घंटा और बोल दें तो कल मेरी तकरीर रामगढ़ हजारीबाग रांची जिला रामगढ़ जिला झारखंड में है, रांची के करीब कल वहाँ मेरी तकरीर होगी। अब यहाँ इस तरफ माइक अगर और मिल जाए तो कल वहाँ जाके जैसे नहीं हुआ, एक जगह जलसा होता था तो कोई लोग आता ही नहीं था, तो उसने क्या क्या इश्तहार में लिख दिया कि एक गोंगा मौलाना आ रहा है, इश्तहार में लिखा, वो इश्तहार पढ़ा, पूरे इलाके का आदमी उठ के आ गया, अरे गोंगा मौलाना आ रहा है रे, कैसे तकरीर करेगा, चलो देखेंगे, पूरा इलाका उठ के आ गया। अब गोंगा मौलाना मैं खड़ा, लोगों उसके बगल में स्टेपनी जिसको कहता ना पी, वो खड़ा हो गया मैक लेके, वो क्या बोलेगा, वो खाली खड़ा हुआ कहा बोला ये क्या कहा, तो स्टेपनी ने कहा कि ये कहा अल्लाह एक है, फिर उसने कहा गोंगा ने बोला ये क्या कहा रे, कहा अगर सिर्फ अल्लाह को मानने से नहीं होगा, सास में रसूलुल्लाह को मानना होगा, स्टेशन आ गया। फिर लास्ट में गोंगा कहा ये क्या हुआ लास्ट में, कहा अल्लाह रसूल को नहीं मानेगा जहन्नम में जाएगा। तो आजकल ऐसा होता है कि लोग जलसे को नाम की वजह से आता है, कौन साहब आए, कौन साहब आए, कौन साहब आए, किसी के नाम पे मत आओ, रसूल पाक के जलसे के नाम पे आओ, या आप यहाँ बैठोगे, ये बैठना बेकार नहीं होगा, जब कोई काम नहीं आएगा तो यही वजह में मुस्तफा काम आएगा, क्योंकि सरकार से वाबिस्ता जो इंसान नहीं है वो ला पढ़े कलमा मुसलमान नहीं है, जिस दिल में नहीं इश्क शहनशाह मदीना मुर्दा है वो दिल उसमें कोई जान नहीं। अनवर टेलर, अनवर इदरीसी ना, उर्फ टेलर, यूसा ईसा टेलर, बहुत बड़ा प्रोग्राम का तनहा किया, बड़ी खुशी हुई, माशाल्लाह मेरी तकरीर कुछ भी जल्दी होनी चाहिए थी, जिस टाइम में मेरी तकरीर होनी चाहिए थी उस टाइम में पीर साहब की तकरीर हो गई, अच्छी तकरीर हो गई माशाल्लाह। लेकिन कभी कभार ख्याल रखिएगा, पूरा हिंदुस्तान हम लोग घूमते हैं, हमेशा कम से कम वक्त पे 250-300 किलोमीटर सफ़र करके अपनी गाड़ी से आए हैं, कहाँ आप यहाँ से निकलोगे, पूर्णिया से है ना, आपको भागलपुर होते हुए बरारी रोड पास करके आप कहाँ जाएंगे, सीधे हजिया चौक होते हुए देवघर सिटी, उससे आगे मेरा घर है विद्यासागर करमंडल बंगाल बॉर्डर मेरा पड़ता है, मैं जामताड़ा जिला से रहने वाला हूँ, बर्धमान डिस्ट्रिक्ट और बीरभूम डिस्ट्रिक्ट का मेरा बॉर्डर पड़ता है, मैं वहाँ से आया,
उसका ख्याल रखा कीजिएगा, जब भी जलसा कीजिएगा सोचे कि मेहमान खतीब उधर टाइमली बोलवा दे। अब जिस टाइम में मेरी तकरीर होती है जब मजमा का मुंह देखिएगा एकदम लगता है कि एकदम ब्लॉक में धरना रखा है, एकदम टुकुर 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 टुकुर। इस टाइम में कहिएगा नारे तकबीर अल्लाह, तो पौने चार बजे कैसे नारा लगाएगा। जिस जवान मजमा रहता है उस टाइम में हम लोग को बुलवाना चाहिए। हम मजमा सो रहा है, हम कह रहे हैं दिल्ली में कुतुब मीनार है, ये सोए सोए सुन रहा है दिल्ली में कुत्ता बीमार है, तो जलसा कैसे होगा। जब भी टाइमली बुलवाया कीजिए, लोग आते हैं दूर से, लेकिन माशाल्लाह मैं जिस टाइम में बैठा हूँ मैं अपने ही रंग में बोलता हूँ, मुझको कोई टेंशन नहीं होता कि दो बजे तीन बजे चार बजे बुलवाओ। माशाल्लाह आप बहुत लोग फरमाइश किया था कि इस पर बोलना है, उस पर बोलना है, इस पर बोलना है, तो मैं सब पर बोल रहा हूँ, लेकिन वक्त दामन गिर नहीं गर्दन गिर है, क्योंकि 4:15 बजे अजान है, उसका भी ख्याल रखना होगा। 4:20 में कहीं कहीं 4:15 कहीं 4:30 में अजान है। अब यहाँ से उठेंगे सीधे जाके घर में फजर की नमाज खत्म नहीं पढ़ता। मुसलमान नमाज कब पढ़ेगा भैया? जो मुसलमान नमाज में घोटाला कर ले, जुम्मा में जाए मस्जिद 4 रकत पहले घोटाला किया, फिर 4 रकत पीछे घोटाला किया, बीच में 2 रकत पढ़ा, और ऐसे नियत मानेगा अरे बाप लगता है अजमेर से डॉक्टर मौलवी टोला मुतरा है, सब कुछ नहीं जानता, खाली फुस 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 कर। हम लोग नहीं जानते हैं, एक सप्ताह रहते हैं तब तहियात याद किए हैं। ये मुसलमान तहियात क्या घोटाला, बाप का जनाजा लेके कब्रिस्तान में जाए तो वह जनाजा घोटाला, एक साल में ईद बकरीद में कब ईदगाह जाए वहाँ ईद की नमाज में घोटाला। कहाँ कहाँ पहुँचो, सिर पर नारा मत लगा, नमाज भी पढ़, नमाज से चेहरे में रोशनी होती है। आका फरमाते हैं, प्यारे आका फरमाते हैं, जो दुनिया में सबसे ज्यादा वजू करेगा कल मैदान महशर में उनका चेहरा सबसे ज्यादा चमकेगा। जो दुनिया में वजू करेगा, जब दुनिया छोड़ जाओगे कफन ओढ़ोगे खाक में सोओगे, दुनिया आएगी कफन हटाएगी चेहरा देखेगी, दुनिया कहेगी ऐसा लगता है जैसे कोई गुलाम हुसैन सोया है, ऐसा लगता है जैसे कोई गौसे ख्वाजा का दीवाना चला जा रहा है। इसलिए चेहरे को दाढ़ी से सजाओ, चेहरे को नूर बनाओ। कैसे बनेगा? क्रीम से नहीं, फेस वॉश से नहीं, फेयर एंड लवली से नहीं, वीको टर्मरिक से नहीं। आका फरमाते हैं अपने चेहरे को वजू के जरिए धोओ, 5 वक्त धोओगे कोई क्रीम की जरूरत नहीं है, कल मैदान महशर में तेरा चेहरा आफताब से ज्यादा चमकेगा। आजकल नहीं देखते माँ बहने बहू बेटी नमाज नहीं पढ़ेगी, 1.5 घंटा सीरियल देख लेगी, उनको पूछेगा चाची नमाज क्यों नहीं पढ़ते हैं, बोल हजरत मेरा माथा दर्द ठीक नहीं होता है, लेकिन टीवी 1.5 घंटा देख लेगी, वो कहिएगा चाची नमाज क्या पढ़ते हैं, क्यों नमाज नहीं पढ़ते, बोल मेरा कमर ठीक नहीं होता है, लेकिन 1.5 घंटा सीरियल पढ़ के देख लेगी, बेटा वहाँ सीरियल देख रहा है, बहू यहाँ देख रही है, बेटा व्हाट्सएप में गेम खेल रहा है 1:30 बजे रात तक गली कूचा में चौक में दुकान में पान की गुंटी जहाँ तहाँ बैठ करके पूरा 2-4 जगह माथा सटा के मोबाइल खोल के मर 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 पूरा रतिया पार कर दे रहा है। जहाँ जहाँ रात में कुत्ता सुता था, जहाँ जहाँ कुकुर सुता था बैठता था, वहीं लड़का लू बैठ के गेम खेलता है, तो कुकुर भी सोचता है ये कुत्ता कहाँ से आ गया है जो हमारे जगह हम बैठ गया है। बाप भी परेशान है, कुत्ता भी परेशान है। हे मुसलमान हो, उन किताब को हाथ में लगा लो, मोबाइल छोड़ दो, रात को जल्दी सो जा, सुबह जल्दी उठ ले, सर पे टोपी पहन, वजू का चेहरा सजा, सीने में कुरान बसा, मोहल्ले के इमाम के पास जा, मदरसे में घुस जा, कुरान को निकाल ले, रहल में रख ले, ज़बान से सुबह सुबह रहमान और रहीम बोल ले, वो बेटा भी बख्शा जाएगा, माँ बाप भी बख्शा जाएगा। मरहबा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। मेरे आपके सबके आका, कोई पूछ लेगा झंडा लेके चौक में जाओगे पूर्णिया चौक में, कोई पूछेगा इसको याद रखिएगा, पीछे ये बता रहा हूँ, मेरे रसूल 22 अप्रैल 571 ईस्वी सोमवार के दिन में शहर मक्का में अब्दुल्ला के घर में आमना के गोद में आए। इसका ख्याल रखिएगा, हमेशा याद रखिएगा, ताकि कोई बदअकीदा पूछ ले कि आप लोग झंडा लगाते हो
तो आप नबी के नाम पे जुलूस निकालते हो तो उनकी तारीख बता, पैदाइश बता, जगह बता, बाप नाम मां को आप फौरन जवाब देंगे। इसलिए जहाँ झंडा उठाने से पहले नबी का जन्मदिन तारीख याद सब कर लो। आज हम नबी का जन्मदिन मनाते हैं, किसी के पेट में दर्द होता है लेकिन वो खुद अपने बेटे का केक काटता है, बर्थडे मनाता है, घर में पूरा सजाता है, तब तकलीफ नहीं होती है। हम नबी के नाम पे गली सजा देते किसी को तकलीफ हो जाती है, और कोई बेटे के शादी में पूरा घर सजा देता है तब तकलीफ नहीं होती है। मुसलमानों हम जुगनू लगाए नबी के जन्मदिन के मौके पर, तो कोई कहता कि फजूल खर्ची है, और तुम बेटी के शादी में गेट लेट फेट गेट सेट गेट जबरदस्ती गेट पूरा सजा देता है गेट पे गेट, उस वक्त तकलीफ नहीं होती है। जब तुम बेटे के शादी में 25 गाड़ी लेके जाते हो तब फजूल खर्ची नहीं होती है। जब बेटे के शादी में तुम 15 लाख का डीजे करते हो, 15,000 का डीजे करते हो तब फजूल खर्ची नहीं होती है। जब तुम बेटे के शादी में 10,000 का पड़ा फोड़ते तब तब फजूल खर्ची नहीं होती है। ऐसा डीजे पनाह मांगे शैतान, पूरा मेहमान ₹15 आजकल मताल भी रहता है, पी पा करके पूरा मत पूछिए। याद रखना अगर पड़ाका फोड़ना जायज होता तो हम लोग आप लोगों को फोड़ने नहीं देते। हम मिलाद करते हैं, फातिया हम करते हैं, जनाजा हम पढ़ाते हैं, निकाह हम पढ़ाते हैं, सब काम हम कर ही लेते हैं, तो शादी में पड़ाका फोड़ने आप क्यों देते? सवाब जब होता तो हम आपको नहीं देते। हम लोग पड़ाका को रखते झोला में, आगे गाड़ी में बैठते, फूक 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 पड़ते और फेंकते जाते, 10 टकवा 5 टकवा पड़ा पड़ा नहीं रखते। हम लोग मौलाना मुफ्ती इमाम है, हम लोग ताकि डबल सवाब होता। यहाँ तक कि अगर ज्यादा बड़ा आदमी रहते तो झोला में डायना माटी भर के लेके जाते, समझी घर उड़ा देते, हज का सवाब होता। अगर सवाबे लेना है तो फिर काम का है, फिर गाड़ी में डीजे क्यों बांध के ले जाएंगे? सवाब अगर डीजे बजाने में है तो फिर गाड़ी में क्यों बांधेंगे? समथिंग पीठ में बांधेंगे, डबल सवाब होगा। तो कर आप आज नबी के नाम पे हयात रसूल जलसे में आए हो, हयात मुस्तफा में बैठे बैठे तौबा कर, आज से डीजे पड़ाका बंद कर दोगे, सुन्नत मुस्तफा पे शादियां करोगे, अरे नस्लों में जो बेटा होगा वो रसूल का गुलाम होगा, वो हुसैन का गुलाम होगा, वो गौसो खाजा का दीवाना होगा। है कोई मौलवी चौक में टोला में एक आदमी कहे मौलाना आज से अपने बेटे के शादी में डीजे पड़ाका कभी नहीं ले जाएंगे, कोई एक आदमी हाथ उठा के कह दे? एक दो तीन चार और कोई पांच छह और कोई? भाई हाथ उठा, तौबा कर, हाथ उठा। इन पैसों को मोहल्ले के मकतब में मस्जिद में लगा दे, जब वो पैसे से बच्चे पढ़ेंगे, जमीन में सोएंगे, कुरान को खोलेंगे, वो पढ़ता जाएगा, तू भी बख्शे जाओगे, देने वाला भी बख्शा जाएगा। इसलिए एक दिन डीजे बजा के शादी करोगे पूरा घर में साल भर डीजे बजेगा, एक दिन पटाखा फोड़ के बहू लाओगे तेरी बहू घर में डेली बम फोड़ेगी। तुम पटाखा डीजे बंद करो, तुम मुस्तफा की सुन्नत अदा करते हो, तुम नबी के नाम पे झंडा उठाते हो। सुन्नी मुसलमानों ये मेरे ऊपर एक एतराज है, मेरे ऊपर ये क्या कहते हैं, मेरे ऊपर एक चिस्पा दिया गया है कि सुन्नी बरेली मुसलमान झंडा भी लगाता है, डीजे भी बजाता है। तौबा करो, आपके मोहल्ले से अगर शादी ब्याह में कोई डीजे पड़ाका लेके जाता है, कमेटी वाले उनको बंद करे, उनके बेटे की शादी मत भेज, 15-20 गाड़ी ले जाने वालों और दूल्हा, अरे बाप कभी जिंदगी पेशाब करके पानी नहीं लिया साल भर, और जब शादी होगी तो शेरवानी जाके पूर्णिया से लाएगा, फूल माला कटिहार से लाएगा, पगड़ी से हिला जाके बाईसी से लाएगा, और ऐसा पहन के निकलेगा लगता दूल्हा नहीं तजिया उठा लाया, इतना सजा के लाता है, इतना इतर लगा के दूल्हा को लाया है, लगता जिन्नात के खानदान से पकड़ के लाया। और जब मौला साहब 1:30 बजे रात किताब लेके जाते हैं रजिस्टर लेके निकाह पढ़ाने के लिए, तो कहता है बेटा पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह, तेरा बेटा कलमा ना पढ़ सके, अरे हुसैन का बेटा कलमा भी पढ़ा, कलमा बचाया, कुरान भी पढ़ा, कुरान बचाया, सजदा किया, सजदा बचाया।
दर्शन बचाया, नमाज बचाया, दीन बचाया, नाना का गिरता हुआ झंडा बचाया। बेटी ना बचा सका, तेरा भाई समाज की एक बहन ना बचा सकी, 30 करोड़ मुसलमान भारत में रह के एक मस्जिद ना बचा सके, तन्हा हुसैन शरीयत मुस्तफा बचा सका। इसलिए जज्बा पैदा करो, लॉटरी का पैसा खाना बंद कर, ड्रीम इलेवन में पैसा लगाना बंद कर, हराम का लुकमा मत खा, हलाल का एक लुकमा खा, तेरे नस्ल में आज भी आलिम पैदा होंगे, हाफिज पैदा होगा, गुलाम रसूल पैदा होगा। इसलिए मुसलमानों, मेरी माँ बहने, आप पर भी कुछ गुफ्तगू होती, लेकिन वक्त दामनगीर नहीं करता, गिर है, चार बज चुका है, शराब होने लगा है, काफी रात बीत गई है, फिर कभी जिंदगी सलामत रही। मेरी तकरीर अगर ज्यादा सुनना हो तो यूट्यूब चला जाना, कहाँ जाना, एक जगह बोलती है यूट्यूब चला जाना, दो बूढ़ा के पूछ रहा था, हाँ झारखंडी बाबा यूट्यूब किधर है, कटिहार तरफ है कि पूर्णिया तरफ यूट्यूब है, सोचा किसी गांव का नाम है, झारखंडी बाबा लिखना, सिद्दीक हसन झारखंडी लिखना, झारखंडी मौलाना लिखना, मेरी तकरीर माँ पर, बाप पर, समाज पर, दीन पर, इस्लाम पर, कुरान पर, मक्का पर, मदीना पर, गरीब नवाज पर, गौसे आज़म पर, सब पर गुफ्तगू होती है। मैंने एक जगह तकरीर कर रहा था, माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाजा है, दो लड़का कहा झारखंडी बाबा, ये तो हर मौलाना यही कहता है। हमने एक मौलाना बुलाया था यूपी से, वो भी जलसे में आए थे पूर्णिया में, उसने भी कहा था कि माँ के कदम के नीचे जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाजा है। एक मौलाना आए थे झारखंड से, वो भी यही तकरीर करके गए कि माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाजा है, ये तो जानते हैं कि माँ के कदम के नीचे जन्नत है, ये मानते हैं कि बाप के कदम के बाप जन्नत का दरवाजा है, लेकिन सास ससुर के कदम के नीचे कुछ है कि नहीं है। वो लड़का एकदम गर्म हो गया, हमने कहा बैठ जा बेटा, सास ससुर के कदम के नीचे गोदरेज है, अलमारी है, पलंग है, सोफा सेट है, स्क्रीन टच है, केटीएम गाड़ी है, 3 लाख नगद है, घर से बैठ बैठ। मुसलमानों तौबा कर, मैं झारखंड से आया हूँ, मेरा एक लड़का है, अल्लाह ने एक बेटा दिया, 4 बेटी, मैं आपके मौलवी चौक में हाथ उठा के वादा करता हूँ, अल्लाह व रसूल को हाजिर नाजिर समझ के और मैं करम को गवाह बना के, मैं अपने बेटे के शादी में कभी बेटी बाप से डिमांड नहीं करेंगे, नहीं करेंगे डिमांड। हम जिंदगी भर हलाल खाए, हलाल कमाए, बच्चों को हलाल खिलाए, हम 50 साल की उम्र में 3 लाख लेकर के हराम खा करके अपने लेकर के और अपने बच्चों को हम खिलाएंगे, ये नहीं होगा। चाहे वो हम सड़कों पे सोना पड़े सो जाओ। आज कहता है मौलाना मुसलमान खतरे में है, मुसलमान खतरे में नहीं है, मुसलमान कल भी जिंदा था, आज भी जिंदा है, कयामत तक जिंदा रहेगा। मुसलमान को मिटाने वाले मिट गए, एक उठा था नसीम वसीम रजीवी ने, क्या नाम था, शिया वक्फ बोर्ड का चेयरमैन था, उसने 26 आयतों को कहा था कि ये झूठ के कुरान से निकालने, माजल्ला कहा था, कोर्ट में हल्फनामा दायर किया था अदालत में, लेकिन नहीं देखा, उसको खानदान से लोगों ने निकाल दिया, समाज से निकल गए, मजहब से निकल गए, दीन से निकल गए, तमाम कुछ दुनिया कुरान को क्या बदलेगा, खुद बदल गया है। इसलिए लोगों को कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान ना बदला जाएगा, बदलेगा ज़माना, अल्लाह कुरान ना बदला जाएगा, मत घबराना, भारत में रह करके भारत तुम्हारा पोतू में एकदम पपोती जैसे नहीं होता है, अपना खतियानी मुसलमान हो तू, मत घबरा, अपना हक और अपना अधिकार को, अपने आप को अगर बचाना है तो बाल बच्चों को पढ़ाना होगा, किताब हाथ में किताब पोथी दे दो, मोबाइल छीन करके किताब थमा दो, इंशाल्लाह तेरा बेटा आज भी कामयाब रहेगा, कल भी कामयाब रहेगा, मुसलमान को देख के कोई आतंकवाद टेररिस्ट नहीं कहेगा। इसलिए मुसलमान भारत में बड़ी शान से रहता है, क्योंकि जब अपने नबी के नाम का झंडा लेके चलते हैं तो पूरी दुनिया दहशत में आ जाती है। इसलिए मुसलमानों अपने नबी से मोहब्बत करो, अपने बाप से मोहब्बत करो, अपने इस्लाम से मोहब्बत करो, अपने बच्चों से मोहब्बत करो, अपने दीन धर्म से मोहब्बत करो, उलमा से मोहब्बत करो, भाई बहन से मोहब्बत करो, लेकिन सबसे ज्यादा मोहब्बत अपने माँ बाप से करना, उससे ज्यादा रसूल पाक से करना, और सोते सोते कहते जाना मैं सो जाऊं या मुस्तफा, कहते कहते खुले आंख सल्ले अला अला कहते, इंशाल्लाह फिर जिंदगी।